कॉलेज में लड़कों की कमी थी क्या जो भाड़े का टट्टू उठा के लाई है? ओए उठा के नहीं लाई, एसीपी का गिरफ्तार किया हुआ गुंडा है, सजा काट रहा साला। अरे ऐसी सजा काटने के लिए तो हम भी तैयार हैं। ओए मकना, हम लोग मर गए थे क्या? प्लीज आप घर चले जाइए। लेकिन ये रोज की बात है, हम लड़कियों को ऐसे कमेंट सुनने की आदत पड़ जाती है। अगर ये हर रोज होता है, तुमने इसकी शिकायत अपने पिताजी से क्यों नहीं की? क्या फायदा, पिताजी उठाकर इन्हें थाने में बंद कर देंगे, अगले दिन ही फिर बाहर होंगे। कोई मिनिस्टर का बेटा है तो कोई एमएलए का, खामखा मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। और फिर तुम क्यों इतना परेशान होते हो? तुम तो मुझे रोज छोड़ने नहीं आओगे ना? हाय सोनी। हाय रश्मि। आज तो इन लड़कों ने बदतमीजी की हद कर दी। चल यहाँ से। जाग रही है? अरे मैं क्या, सारा गर्ल्स हॉस्टल जाग रहा है। जानती है उन चार गुंडों का क्या हुआ जो तुम्हें हर रोज छेड़ते थे? क्या हुआ? किसी ने हॉस्टल में आकर उनकी इतनी पिटाई की कि बेचारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। What are you talking? तूने अपने डैडी को बोलकर उन गुंडों की पिटाई करवाई होगी। बहुत अच्छा किया, ऐसे लड़कों की तो पिटाई होनी ही चाहिए। सोनी तू सुन रही है ना? हेलो सोनी, हेलो। हॉस्टल से आ रहे हो ना? हॉस्टल? कौन सा हॉस्टल? मुझसे बनो मत, मुझे सब पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? तुमने उन लड़कों को इसलिए पीटा ना क्योंकि उन्होंने मुझे बुरा भला कहा था। मैं तुम्हारे लिए किसी को क्यों पीटूंगा? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? खून बह रहा है। रहने दो। खून किसी का भी बहे, दर्द सभी को होता है। अपनों के लिए होता होगा, परायों के लिए नहीं। पट्टी बांधनी है मुझे, आज इस हाथ पे पट्टी बांध रही, कल इसी हाथ पे राखी बांधूंगी भैया।